एक काउंट राउंड में अगर आप नहीं पीछे कर पाए जयवीर तो फिर ये नहीं फिर कर नहीं कर पाएंगे, फिर तो ये डिंपल भाभी भाई चुनाव जीत गई है, भाभी जीत जाएंगे। तो भाइयों डिंपल भाभी का चुनाव जीतना लगभग पक्का हो रहा है, ये जो रुझान दिखाई दे रहे हैं वो ये। समाजवादी पार्टी का कोई नेता डिंपल यादव को नेता नहीं भाभी ही मानता, इसलिए मैंने भी भाभी बोल दिए, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। तो डिंपल यादव जो है चुनाव लगभग जीत जाएंगी। सुरेश चंद्रा यहाँ पर देखिए 222 वोट काट रहे हैं, ये 5800 वोट काट रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है मायावती का जो सिक्का था वो चला नहीं, और मायावती पूरी तरीके से अब यूपी की सियासत से बाहर होती जा रही है। आप बताइए कि 5000 वोट मिले और इधर जो वोट मिले 53000 मिले, ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अभिषेक देखिए आप ये देखिए ना, यहाँ से आधा और यहाँ से 15% आप ये पैटर्न समझिए कि समाजवादी बहुजन समाजवादी पार्टी लगभग मुसलमानों का वोट भी हासिल नहीं कर रही, नहीं कर रही है, नहीं कर रही है। देखिए मुसलमान इस बार, मैं बार बार कह रहा हूँ, देखिए मुसलमान इस बार समझ गया है और वो पूरा कंसोलिडेट होकर वोट कर रहा है और बीजेपी को हराने के लिए वोट किया है। ठीक है, ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा। देखिए प्रकाश भाई शायद हमारे पास नहीं है, अभी भी इंडिया अलायंस थोड़ा आगे चल रहा है, नहीं बराबर हो गया ऑलमोस्ट। देखिए 36 और 2 38 हो गए आपको एनडीए के, और ये 38 हो गए, ये 37 है, तो ज्यादा हो गया इंडिया अलायंस। ठीक है, ये नंबर लगातार घट रहा है। अभी अभी हम लोग उस तरफ जा रही है कि अभी हम लोग हैक हो रहा है नहीं, अब देखिए अब देखो प्रकाश, अब ज्यादा मौका मिलेगा अगर यहाँ से वो लोग हारते हैं इंडिया अलायंस तो अब ज्यादा यूपी में जो है बढ़त बना ली है बीजेपी ने, और बीजेपी की जो टोटल सीटें हो गई सर वो 38 हो गई, मतलब एनडीए की नहीं 36 बीजेपी ये हो गई, 2 RLD 38 और ये नहीं है, ये नहीं है ये गठबंधन, मतलब एनडीए पहली बार उत्तर प्रदेश में आ गया। अनुप्रिया पटेल भी पीछे चल रही हैं, मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल पीछे चल रही हैं, और ये एक बड़ा ही समीकरण, हम लोगों को थोड़ा अमेठी रायबरेली देखना चाहिए, अमेठी देखते हैं, अमेठी चलते हैं, आपको अमेठी का समीकरण देखने मजा आएगा। तो ये देखिए किशोरीलाल आगे हो गए, स्मृति ईरानी पीछे, स्मृति ईरानी पीछे, किशोरीलाल जी हैं या अजय राय जी हैं, इन दोनों ने बड़ी राजनीतिक घटना को अंजाम दे दिया है, इन्होंने अमेठी में, उन भाई साहब ने बनारस में, लेकिन आप लोग ये रोकिए, ये संभालिए, धर लीजिए, पकड़ लीजिए, क्योंकि ये घटेगा धीरे धीरे। नहीं नहीं, ये अभी देखिए ये मार्जिन जो है ना अब घटने वाला है फिर से। देखिए अभी बहुत वही बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, अजय राय देखिए 6000 वोट से चल रहे थे और वो बेचारे पिछड़ गए, कुछ नहीं है ना, तो ये मार्जिन कुछ नहीं है। आपको एक अपडेट और दे दे, मार्केट जो है लगभग 2200 नीचे चला गया था, फिलहाल मार्केट जो है मात्र 1600 पॉइंट पे नीचे चल रहा है और वापस आने लगा है, सुधरने लगा है, मार्केट सुधर रहा है। मार्केट ये कह रहा है कि लूट सको तो लूटो और अभी पैसे डालो और बाहर निकलो, अभी 5 लाख रुपए जो लगाएगा उसके 9 लाख रुपए होने में समय नहीं लगेगा। दोस्तों पैसा लगा दो, सरकार आ रही है बीजेपी की, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखिए भाई रायबरेली में 16000 वोट से आगे चल रहे, ये हैंडसम मार्जिन है। राहुल गांधी निकल रहे हैं, राहुल गांधी अब निकल रहे हैं आराम से सर, यानी राहुल का स्मार्ट मूव था कि उन्होंने बाकी परिवार के लोगों को रोक दिया रायबरेली जाने से। बिल्कुल बिल्कुल, सेफ सीट है, नहीं नहीं सेफ सीट है ना, राहुल का स्मार्ट मूव कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं ना कि वो भाग के एक सेफ सीट पे गए, लेकिन अगर वायनाड जीतेंगे वो हाँ, और ये भी जीतेंगे तो छोड़ेंगे कहां, ऑब्वियस है सर, यही अगर ये छोड़ेंगे छोड़ना उनको यही है, तब तो एकदम पक्के भगोड़ा हो जाएंगे वो सर, यही छोड़ना है। अभी आपको वो वाली सीट भी देखनी चाहिए हम लोगों को सर, जरा रामपुर देख लीजिए, आजमगढ़ का, ये आजम खान का इलाका, समाजवादी पार्टी लीड कर रही है 5000 वोटों से, घनश्याम सिंह लोधी 5000 वोटों से पीछे चल रहे हैं, बहुत इनिशियल है, देखिए बहुत कम वोट, बहुत कम वोट जो है वो बटा, इतने इतने मुस्लिम और दो दो कैंडिडेट हैं, अरशद वासी, एक चीज बहुत बारीक चीज ये देखिए, हाँ बहुत ही बारीक चीज है, जो मुस्लिम वोटिंग पैटर्न है वो किस तरह का है, ये गठबंधन के उम्मीदवार थे, इंडिया गठबंधन के ये एनडीए उम्मीदवार, और इसके अलावा बीएसपी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट बताया था, इसके अलावा ये कोई माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी भी है, मैं जो कह रहा हूँ वो समझिए, देखिए इतने मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं लेकिन कितने वोट्स पड़े हैं देख लीजिए, कितने लोग क्लियर है, मुस्लिम वोटर एकदम क्लियर है कि उसको कहां वोट करना है, और इसी बात को अंदाज रखते हुए प्रधानमंत्री लगातार इस बात का जिक्र चुनाव में करने लगे, क्योंकि उनको पता था कि भाई सबका साथ सबका विकास करके मिलना कुछ नहीं है, मिलना है ये क्या मिल रहा है वो आप देख लो सर, एक बार और रिफ्रेश कर ले इसको, उत्तर प्रदेश के नंबर को 2629 प्रकाश भाई माइक आप मेरी तरफ करिए, ये नंबर प्रकाश भाई लगातार घटेंगे, मैं ये बात लगातार बोल रहा हूँ कि ये समाजवादी पार्टी को खुश करने के लिए एक नंबर दिख रहा है, आप लड्डू खाएं, आप पार्टी करें,
अगर ये नंबर सच में आ जाता है तो फिर यूपी की सड़कों पर क्या होगा इसका अंदाजा वो लोग लगा सकते हैं जिन्होंने समाजवादियों की सरकार देखी होगी। योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा अगर समाजवादी पार्टी आ जाएगी। संभल के उस एक व्यक्ति का आपको चेहरा याद होगा जिसने ये कहा था कि 10 मार्च के बाद हम बताएंगे आपको कि जब हमारी सरकार आ जाएगी। वो नमाज पढ़ के जा रहे थे। तो वो जो 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 ये जो धमकी दी ना वो धमकी जैसे ये नंबर आएगा वो आपको परिणाम में बदलती हुई दिखाई देगी। सर हम लोग बिहार चलेंगे, बिहार जरा चलिए बिहार भी देख लिया जाए क्या कहानी चल रहा है। थोड़ा समीकरण अभी 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 डाटा और डाटा अभी उतना ज्यादा आया नहीं, एक बार चल के चेक कर सकते हैं बिहार। हाँ एक बार रिफ्रेश कर लो इसको, इस नंबर को रिफ्रेश कर लो। सर इलेक्शन कमीशन भी टेलीविजन चैनल से कम नहीं है और बहुत तेजी में आंकड़े 429 201। अब देखिए 201 बीजेपी, देखिए 200 बीजेपी अकेले। देखिए प्रकाश ये देखिए ठीक है तो अभी 429 पे ही पूरा नहीं आया है, अभी 100 के करीब आने हैं। बढ़िया। अब आप परसेंटेज की बात कर रहे थे, अभिषेक देख लेते हैं एक बार परसेंटेज 40.84%। यहाँ जरा वोटों की संख्या बता दीजिए, ये बीजेपी का शेयर है। देखिए यहाँ पे आप ये जो वोटिंग प्रतिशत है वो लगातार कम हो रहा है, 44 से 40 पर आ रहा है। आप इस चीज इस पैटर्न को आप ध्यान से रखिए, पूरा इलेक्शन इसी पर घूम रहा है। बीजेपी को 39 से 40% अगर ओवरऑल वोट मिल गया तो बीजेपी 350 या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे आ रही है एनडीए, और 370 के आसपास जो हम लोगों का अनुमान है वो आपको दिखाई देगा। 40% वोट के बाद कोई भी पार्टी तब नहीं हारती है जब या तो फिर मतलब जो 60% वोट जो आपको दिखाई दे रहा है उन सभी को आप गठबंधन में शामिल कर दीजिए। पहली चीज आप बहुत बहुत ध्यान से दर्शकों सुनिएगा, 40% वोट अकेले बीजेपी का है और इनकी जो सहयोगी दल है ना उनके भी वोट इनके साथ जुड़ते हैं, तो वो जो वोट जुड़ेगा वो 2-3% वोट जुड़ जाएगा, जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना जुड़ जाएगी, ठीक है, टीडीपी बिहार है, में टीडीपी देखिए 1.67 किसमें जुड़ेगा, 40.84 में जुड़ेगा। हाँ। तो बीजेपी का हो गया 42% वोट। उसके अलावा जेडीयू है, जेडीयू को लगभग 1% का अनुमान है वोट मिलने का, ओवरऑल तो 1% नहीं मिलेगा, लगभग मान लेते हैं तो लगभग 43% हो गया एनडीए का। इसके अलावा टीडीपी जोड़ लिया मैंने, जेडीएस नहीं जोड़ लिया, जेडीएस जेडीएस को 1.30 वोट मिल रहा है। देखिए बहुत बहुत कर्नाटक ये नंबर देख रहे हैं आप, जेडीएस को बहुत अच्छा नंबर है, 1.30 मिल रहा है, और बीजेपी को आज जोड़ दीजिए तो भाई डे वन से यही तो कह रहा हूँ कि एनडीए को 45% वोट मिलने जा रहा है। इसमें नया पुराना क्या है, ये मार्केट घुमाने के लिए टीवी चैनल्स को क्या किसी ने सुपारी दी थी भाई सुबह सुबह कि लाखों करोड़ रुपए इधर उधर कर दो? ये भाई मेरे को भी बताते, हम भी कुछ रुपए लगा लेते अपने। हाँ ये हो सकता है, देखिए ये तो होता ही है मार्केट में। मैं अभी क्वेश्चन उठा रहा हूँ, ये जरूर कुछ सेटिंग का खेला है, ये कोई कुछ नहीं है। अब आप देखिए सारे चैनल 290-300 पहुंच गए बीजेपी के पास, एनडीए लगभग 300 का नंबर चलने लगा है, लगभग आ गया है, तो बहुमत से तो पार हो गए ना, बिल्कुल अब तो आ गया सरकार बन गई। ये पैटर्न जो है ना इस पे अगर कोई ध्यान दे दे तो वो समझ जाएगा। अब 40% 85 बढ़ गया, 85 थोड़ा बढ़ गया, फिर यहाँ आप टीडीपी 1.60 ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, तो जेडीएस भी बढ़ा ही होगा 1.27 थोड़ा कम हुआ, थोड़ा ठीक है, तो ठीक है कुल मिला के मतलब 44 पार्टी है ये पार्टी, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, पीपल एपी आम आदमी, ये आम आदमी पार्टी को इतना वोट मिल रहा है।